बिलासपुर जिला पुलिस ने प्रशासन और स्कूली छात्रों के साथ मिलकर एंटी ड्रग्स कैंपेन को साकार करने का काम कर रही है, जिसके चलते बिलासपुर डीसी कार्यालय से शहर तक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के 350 से अधिक स्कूली छात्रों सहित पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। वहीं इस जागरूकता रैली को बिलासपुर डीसी राजेश्वर गोयल और एसएसपी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसने समाज के सभी वर्गों से नशे से दूर रहने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने का काम किया। और ये मुख्यतः पुलिस विभाग और साथ में जिला प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी विभागों का एक ये मिला जुला प्रयास है। उसी कड़ी में आज यहाँ कलेक्टोरेट के प्रांगण से एक रैली स्कूली बच्चों की उस सुबह जो है वो फ्लैग ऑफ की गई। इसके अतिरिक्त स्कूलों में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में कई कॉन्टेस्ट जो हैं, जो ड्रग अवेयरनेस के, ड्रग अब्यूज़ अवेयरनेस के बारे में आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हैं, पेंटिंग कॉन्टेस्ट हैं। मैं अपील करूंगा सभी से, स्पेशली जो हमारा युवा वर्ग है, कि जो ये नशा जो है, इसकी प्रवृत्ति जो है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। चाहे ये हमारा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से, हर तरह से जो है ये हमें एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो हम अपील करना चाहूँगा कि इससे हम परहेज करें और कभी भी ये जो दुर्व्यसन है इसको हम ना अपनाएं। तो और मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी विभागों को, कि जो ये एक हफ्ते का जो ये मुहिम है, कि इसको ये सफलतापूर्वक इसका आयोजन करें और जो मैसेज है वो जन जन तक पहुंचे। इस रैली का उद्देश्य है लोगों को अवेयर बनाना, ताकि जो ड्रग की समस्या है, जो नशे की समस्या है, उससे लोगों को जागरूक बनाया जा सके। ये छोटा सा प्रयास है हमारा, इसके द्वारा हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और नशे के खिलाफ एक मुहिम जो बिलासपुर पुलिस ने चलाई है, उसमें बाकी लोग भी उसका हिस्सा बने, ऐसा संदेश देना चाहते हैं। इस साल हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल की है जो चिट्टे के खिलाफ, तकरीबन 400 ग्राम के आसपास अभी तक चिट्टा पकड़ा है पुलिस ने, जो पिछली साल की तुलना में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा आज भी एक पुलिस ने एनडीपीएस का केस रजिस्टर किया है, चरस पकड़ी है। अगर टोटल मैं क्वांटिटी की बात करूं तो पिछली साल की तुलना में हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनको पकड़ा है। इनफैक्ट इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ बिलासपुर के लोगों को, जो समय समय पर पुलिस को ये सूचना देते रहते हैं और इनका सहयोग हमें वांछित है। हम चाहेंगे कि आगे भी सभी लोग, इनफैक्ट मैं पत्रकार बंधुओं से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कैसी भी आपके पास कोई शिकायत आती है तो तुरंत इसकी सूचना मुझको या मेरे किसी भी अफसर को दें। एंस्टा न्यूज़ के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।